एंड वेलकम फुटबॉल के मैदानों पर कौन करेगा राज, किसकी होगी अगले चार साल बादशाहत बरकरार। 32 ममालिक हैं आमने सामने, मेसी हो या रोनाल्डो या ब्राजीलियन स्टार नेमार, या फिर हम बात करें सलाह की। ऊपर जो मैंने तीन नाम लिए, इन तीनों का वैसे ये ख्वाब ये है कि पहली बार वर्ल्ड कप का जो ये कप है हाथ में लें। और बहुत सारी बातें, सलाह की भी हमने बात की, आज मैच भी हुआ, बहुत सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इस मैच में, आज इस शो में। कराची में हम ये शो कर रहे हैं जिसका नाम है किक। मेरे साथ शो में मौजूद हैं हमारे प्रोफेशनल फुटबॉल एक्सपर्ट एनालिस्ट हैं अली तैयब, मेरे साथ होंगी रुखसार राशिद, यूसुफ हमारे सब बेंच पे, नबील, और आज तो हमें नए पर्सन ने भी ज्वाइन किया है, मिकाइल हमारे साथ मौजूद है। और बहुत मज़े की बातें हम इनसे करेंगे। सबसे पहले हम अपने फर्स्ट सेगमेंट का आगाज़ करते हैं जिसका नाम है गोल। बिल्कुल, पहला सेगमेंट है गोल जिसमें वील बी डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रैटेजीज, और एक ओवरऑल हम लेंगे जायजा कि आज तीन मैचेस हुए, तीसरा मैच होना भी बाकी है। सबसे पहला मैच था इजिप्ट वर्सेस यूरोगॉय का, उसके बाद अभी मैच हुआ मोरक्को वर्सेस ईरान, और जिस तरीके से मैच जीता गया इसके बारे में भी हम बात करेंगे, और अभी मैच होने वाला है पोर्टुगल वर्सेस स्पेन का। तो सबसे पहले मैं आती हूँ अली तैयब की जानिब। अली, मुझे ये बताइएगा अभी जो रिसेंटली मैच हुआ है इसके बारे में बात करते हैं, किस तरीके से ईरान ने मैच जीता है। अनफॉर्चुनेट मोरक्को के लिए पूरा गेम उन्होंने डोमिनेट किया, अगर आप देखें उनका पोजीशन भी इट वाज मोर देन 60%, और ओन गोल से लास्ट मोमेंट में कंसीड करना, आई थिंक के ये बहुत लग रहा है कि इट्स अ टूर्नामेंट ऑफ लेट गोल्स, हमने गुज़िश्ता मैच में भी देखा, लेकिन द मैचेस आर कमिंग नाउ। आज जैसे आपने बोला कि तीन मैचेस हैं, अभी द बिग वन इज कमिंग अप, दो बड़ी दुनिया की टीमों का आपस में मुकाबला होगा। स्पेन जो 2010 के आलमी चैंपियन रह चुके हैं, और जो इस वक्त करंट यूरोपियन चैंपियन है पुर्तगाल, उनका मुकाबला है, बहुत माउथ वाटरिंग प्रॉस्पेक्ट है। लेकिन आज का जो पहला मैच था यूरोगॉय इजिप्ट, वो भी बहुत ज़बरदस्त मैच था, और ये वाला भी जो है एंड टू एंड स्टफ रहा। मैं समझता हूँ कि क्रेडिट देना चाहिए कार्लोस क्यूरोश को, हालांकि जिस ग्रुप में स्पेन और पोर्टुगल हैं उन्होंने ऐसा दावा किया है कि हम ग्रुप स्टेजेस नहीं खेलने हैं, हम अगले राउंड में प्रोग्रेस करेंगे, लेकिन उन्होंने मोरक्को जैसी टीम को, हु वर ऑन द अपर हैंड फॉर मोस्ट ऑफ द गेम, उनसे जो है थ्री पॉइंट्स लिए, वाइटल थ्री पॉइंट्स, आई थिंक इट्स अ ट्रेमेंडस रिजल्ट। ट्रेमेंडस रिजल्ट अली, आपके पास फिर से आऊंगी। रुखसार, लग रहा था कि मोरक्को और ईरान में के टाई हो जाएगा, 0-0 पे होगा, और बिल्कुल अभी चंद लम्हात पहले जिस तरीके से ईरान जीता, इट वॉज लाइक अ शॉकर। बिल्कुल सही कह रही है, यकीन ही नहीं आता, लाइक एंड तक इतनी फाइटिंग चल रही है, मोरक्को ने भी इतनी फाइट की है और ईरान भी इतनी फाइट दे रहे थे, बिल्कुल काउंटर अटैक्स भी इतने चाहे थे, लेकिन जो लास्ट में ऑन गोल हुआ है, मैं समझती हूँ कि उनके साथ बड़ा बैड लक हुआ है कि इतनी यंग टैलेंटेड टीम थी, एंड तक उन्होंने फाइट किया, लेकिन ऑन गोल की वजह से वो बेचारे एक गोल से हार गए, एक गोल तो से बहुत हार्ड लगता उनका। सब बेंच की तरफ आती हूँ, आप मुझे जरा ये बताएं सोशल मीडिया पे क्या ट्रेंड चल रहा है। सोशल मीडिया पे जो अभी सबसे बड़ी हाइप ये चली है कि अल्लाह का शुक्र लुइस सुआरेज ने किसी को आज काटा नहीं। सुआरेज की बॉडी लैंग्वेज इतनी अग्रेसिव है, और अभी फीफा में भी बड़ा ये चल रहा था कि पता नहीं सुआरेज खिलाया जाएगा उनको, नहीं खिलाया जाएगा जो उन्होंने, और ये थर्ड टाइम उन्होंने बाइट किया था, इससे पहले भी पास्ट में दो प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं, लेकिन वाकई यूसुफ ये तो बहुत बड़ी खबर है कि सुआरेज ने किसी को काटा नहीं, आज किसी को काटी, वैसे उन्हें अपनी टीम को काटे तरीके से, बिकॉज ही मिस्ड मेनी चांसेस टुडे, सो अपनी टीम को बस लेके जाने वाला था, लेकिन जिस तरीके से सुआरेज ने अपनी टीम को, हाँ अपनी टीम को काटा कह सकता है, लेकिन इजिप्ट ने बहुत ज्यादा ट्राई किया था, जिस तरीके से उनका गोलकीपर लगा हुआ था नबील खेलने के लिए, बिल्कुल उनका गोलकीपर ने एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है और काफी सारे चांसेस दिए गए थे, मगर इंटरनेट पे हमेशा ये बात होती है कि अगर कोई अपसेटिंग स्टोरी होती है तो फिर उसका मजाक भी वैसे ही उठता है। जैसे कि आप कल एक एग्जांपल ले लें, सऊदी अरब के किंग बैठे हुए थे और व्लादिमीर पुतिन साथ बैठे हुए थे, तो आज शाइकिन ने ये कर दिया कि उन दोनों की पिक्चर लगा के कह दी कि अब ऑयल की प्राइस तीन गुना ज्यादा बढ़ जाए, तो इंटरनेट पे तो इन चीजों को नहीं बख्शा जाता है, और अगर भी अभी हम देख सकते हैं तो कैसे डिसअपॉइंटिंग हमें रिजल्ट्स मिले हैं, मगर इन पे भी मजीद बात करते हैं, आगे इन चीजों को खोलते हैं, देखते हैं। आज के हमारे साथ एक नए गेस्ट भी मौजूद है, मिकाइल हमारे साथ हैं, एंथुजियास्ट हैं और बहुत जबरदस्त इनकी भी नॉलेज है। मिकाइल, मुझे बताओ जो इजिप्ट और हमारा यूरोगॉय का मैच हुआ और अभी मोरक्को और ईरान का, किस तरीके से देख रहे हो, क्या एंथुजियाज्म है और कितना जबरदस्त मैचेस दोनों हुए, 1-0 से दोनों मैचेस हमने देखा कि बराबर हुए। इजिप्ट और यूरोगॉय का मैच बहुत अच्छा गया था, आई थिंक एडिनसन कावानी ने बहुत अच्छा खेला, एंड ही वाज द की टू मेक यूरोगॉय विन। अच्छा, क्या चीज आपको इंटरेस्टिंग लगी मैच में, दोनों मैचेस की कोई एक एक इंटरेस्टिंग चीज जो आपको बड़ी फैसिनेट की हो, क्या ये चीज बड़ी जबरदस्त थी? दोनों मैचेस में लेट गोल से विनर्स हुआ, लेट गोल से विनर्स हुए। मैं जरा कुछ बेंच से कुछ सवाल करना चाहूंगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है मिकाइल आपकी तरफ आऊंगा। डू यू फील कि अगर मो सलाह फिट होते
तो इजिप्ट जिस तरह उन्होंने लास्ट मोमेंट तक यूरोग्वे जैसी टीम को कवानी एंड सुआरेस को होल्ड ऑफ करके रखा, डू यू थिंक क्या डिफरेंस मेक करता? डेफिनेटली डिफरेंस मेक करता, मो साला इज वर्ल्ड क्लास प्लेयर इन अनबिलीवेबल सीजन गया, तो सीजन तो बैलन डोर विनिंग चांस है मो साला का, एंड आई थिंक ही ऑब्वियसली वुड हैव मेड अ डिफरेंस. यूरोग्वे वर टू स्लो एंड मो साला की ऑब्वियसली इतनी पेस है, ही वुड हैव कैपिटलाइज्ड. डू यू थिंक यूरोग्वे वर टू लेट टू कम इनटू द गेम? एक्चुअली येस, बट यूरोग्वे कुछ कर नहीं पाती थी, बिकॉज एज आई मेंशन यस्टरडे एज वेल दैट इजिप्ट इज अ वेरी डिफेंसिव टीम, एंड ऑब्वियसली इजिप्ट डिड नॉट प्ले द मेन प्लेयर विच वॉज मोहम्मद साला. सो आई गेस अगर मोहम्मद साला को खिलाते तो आई गेस इजिप्ट का गेम थोड़ा पेस अप हो जाता, क्योंकि आई गेस मेन रीजन ये था मोहम्मद साला को बिठाने का कि इजिप्ट वेन अ टीम लाइक इजिप्ट प्लेइंग यूरोग्वे, तो आपकी विन गारंटीड नहीं है, एंड प्लस मोहम्मद साला की इंजरी हुई थी तो उसको रिस्क नहीं करना चाह रहे थे. लेकिन यू डोंट यू फील इजिप्ट वर suffering for goals even in the qualifiers, हमने देखा था, और goal scoring जो है उनका problem रहा है. हमने देखा था qualify भी उन्होंने आखिरी game में एक draw के through किया था. Absolutely ये इनका problem रहा है, but to look into the counter measure, Egypt basically कर भी ये रहा है कि हर ball को वो लोग trace कर रहे हैं, उनकी team formation जैसी चलिए चले वही बात आ जाती है कि Mo Salah नहीं खेल रहे हैं, तो उनके बाद भी उनकी team में थोड़ी सी ऐसी strength होनी चाहिए जो कि ball को trace करे, ball को win करे. In fact आज तो पूरी दुनिया की Mo Salah पे नज़र लगी हुई थी, क्योंकि आज इंटरनेट पर मतलब ट्रेंड चल रहा था, उनकी बर्थडे भी थी, तो everybody was excited for him that he's gonna come, he's gonna score. But ultimately Egyptian team ne ye decision nahi liya. However later on Uruguay ne goal kar diya, to they had nothing into their hands and somewhat aisa hi chalta rahega. Sir aap defensively bahut defensive minded game tha pehla jo tha Uruguay aur Egypt ka, kaise dekhte hain? Lekin mujhe lagta hai dekhiye dono teams bahut defensive kheli hain, Uruguay aur jo हमारा इजिप्ट की टीम थी, दोनों तरफ के डिफेंडर्स बहुत थे, बहुत काउंटर अटैक आए थे, वापस बॉल आई थी, बैक टू बैक यू नो गेम चल रहा था, एक भी मिनट का जो डिफेंडर्स को टाइम लेने का आप कहते हैं कि सांस नहीं मिला, बॉल आगे जाती है हाफ लाइन से आती है तो डिफेंडर्स को थोड़ा टाइम मिल जाता है कि यू नो वो ब्रीथ करें. लेकिन रुखसार एक चीज हमने ये भी देखी कि इजिप्शियन टीम ने जो यूरोग्वे की टीम थी उसका डट कर मुकाबला किया, जिस तरीके से उनके कितने यकीनी गोल थे, जो गोल कीपर्स ने फर्स्ट हाफ में देखा कि 0-0 से बराबर हो गया था, लेकिन जब सेकेंड हाफ में मैच गया है और सेकेंड हाफ में जाने के बाद जिस तरीके से गोल कीपर एंड तक वो लगा हुआ था और कितने यकीनी गोल बीच में भी उसने बचाए, लेकिन होजे जब आए और उन्होंने गोल किया है तो वो मैच फिर वो कामयाबी आ गई. बहुत ज्यादा बहुत टफ मैच था मैं कहूँगी, और अगर साले होते तो आई थिंक बहुत फर्क भी पड़ता टीम की, इजिप्ट की टीम के, क्योंकि लेकिन अली सलाह का इस चीज पे मैं एक यहाँ पे ओके भाई मैंने एक आर्गुमेंट रेस होगा. बेसिकली मैंने ये चीज नोट की थी कि पहले हाफ के अंदर यूरोग्वे की जो टीम थी वो अपने हाफ के अंदर मेजोरिटी ऑफ द पार्ट बैठी हुई थी, दे वर नॉट गोइंग, क्योंकि वो एक 4-4-2 फॉर्मेशन खिला रहे थे, दे वर प्रीटी डिफेंसिव, इजिप्ट बहुत ओपन थी, इजिप्ट के पास पोजीशन ज्यादा थी पूरे गेम के अंदर, बट इजिप्शियन स्ट्राइकर्स जस्ट कुडंट एंड अप द गेम. वही बात आ जाती है जो हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि इनके पास अगर वन मैन शो होता है तो अगर आपके पास स्ट्राइक पावर नहीं, दो दे प्लेड रियली वेल, मतलब हम लोग इतने एक्सपेक्ट नहीं करें, हम लोग एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, बट जब फर्स्ट हाफ में उनके पास ये पॉइंट था तो उन्होंने क्यों उस चीज को एक्सप्लॉइट नहीं किया, जब यूरोग्वे बैठी हुई थी अंडर प्रेशर आके एक गोल के बाद गेम बदल जाता है, क्यों आप इस चीज में बताइए. लेकिन गोल गोल होने के बाद भी देखे ना आप टाइम कितना कम बचा था, लास्ट के कुछ मिनट में जाके गोल हुआ है, तो आई थिंक मैं इनकी बात पे कैट करूंगा. देखिए एराकेटा एंड नैंडेस वर टू यंगस्टर्स जो कि आज ऑस्कर टेबरेस ने एक ये किया, हमने देखा ऑफ द बेंच केम ऑफ कौन आए थे, कार्लोस सैंचेज आए थे एंड रोड्रिगेज आए थे, द एक्सपीरियंस्ड वंस आए थे. आई थिंक हम नॉर्मली ये देखते हैं कि यंगस्टर्स को बाद में लिया जाता है, ऑस्कर टेबरेस उसने जो है परहैप्स ही वाज टेकिंग इजिप्ट टू लाइटली, उसने यंगस्टर्स को चांस दिया जो कि जितना इनका यानी यही वो गेम चेंजिंग फैक्टर होता है जब मैनेजर की मेंटालिटी होती है कि उसने पहले अपने वो खिलाड़ी से ये है वो कि शायद यूसुफ और मिकाइलविस में ऐड ऑन कर लें कि आई थिंक कि इजिप्ट शुड नॉट हैव सैट बैक इन द लास्ट 10 मिनट व्हिच अलाउड जो एथलेटिको मैड्रिड के भी जो सेंटर बैक्स हैं जिसमें हेमिनेस द गोल स्कोरर एंड डियागो गोडिन, वी नो डियागो गोडिन इज लाइक सर्जियो रामोस ऑफ रियल मैड्रिड, ठीक है, वो उसने ही स्टेप्ड अप टू द बिग स्टेज, आई थिंक उसी ने कॉर्नर जीता था एंड ही वाज पुशिंग फॉरवर्ड बिहाइंड द इजिप्शियन डिफेंस. एकली आपका पॉइंट भी और यूसुफ का पॉइंट भी, जैसे इन्होंने कहा था अगर हम सलाह की भी बात करें, हम इजिप्शियन टीम की भी बात करें, तो सलाह का ना खिलाने का एक रीजन ये भी था कि शायद अभी वो उनको रख रहे हैं कि अभी तो गेम का स्टार्ट है और बाद में उनको ले लिया जाए. लेकिन मैं समझती हूँ फर्स्ट हाफ के बाद उसको लेके आ जाना चाहिए था, क्योंकि आप देखें फर्स्ट मैच में अगर आप हार के जा रहे हैं तो प्लेयर्स के तो मॉरल ही डाउन हो गया. जल्दी से यूसुफ ने का मतलब ये होता है जनाब कि यहाँ पे हो गया आर्ग्यूमेंट रेज, जिस तरीके से यहाँ पे अच्छा कभी ऐसा होता है कि ये लोग रेड कार्ड शो कर देते हैं और
कभी कभी जब रेड कार्ड चुकी होता है और अगर दूसरी हमारी सब बेंच की तरफ से कोई आर्ग्यूमेंट रेज होता है तो फौरन से विसल ब्लो करते हैं। तो रुखसार का कहना यह था कि सलाह को सेकंड हाफ में लेके आ जाना चाहिए था, जिसके ऊपर आर्ग्यूमेंट रेज किया यूसुफ ने। यूसुफ क्यों आपने? वेल फर्स्टली आई डोंट थिंक दैट इजिप्ट कभी गेम को सही तरह जीतने जा रहे थे, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर जब आप ग्रुप की टफेस्ट टीम को फेस कर रहे हो सो यू नॉट श्योर कि आप जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, प्लस अगर आपका बेस्ट प्लेयर इंजर्ड है तो आप उसको ला के आप रिस्क नहीं करेंगे, तो दैट्स अ मेजर फैक्टर। अदर देन दैट आई थिंक दैट मोहम्मद सलाह उसकी ही इज नॉट हील्ड प्रॉपरली, सो आई थिंक ब्रिंगिंग हिम अगेंस्ट यूरोगॉय वाज डेफिनेटली अ रिस्क। मतलब आप समझते हैं कि उसको वो रिस्क नहीं करना चाहते, लेकिन मिकेल डोंट यू थिंक कि ये जो जिस तरह इजिप्ट ने टीम सेटअप की हुई थी काउंटर अटैकिंग डिफेंसिवली, वो सलाह अगर होता तो उनको सूट करती, ही कुड हैव रन, क्योंकि इनिशियली हमने शुरू में मैच के देखा था यूरोगॉय सिट बैक कर रहा था, जबकि टैक्टिक्स ही काउंटर अटैक ही सलाह बहुत यूजफुल होता उनके लिए, एंड इफ सलाह होता आई थिंक इजिप्ट वुड हैव वन द मैच। और आप क्या समझते हैं कि यूरोगॉय की जहाँ पे हम बात करेंगे, जाहिर है दो बड़े नाम फॉरवर्ड्स के, एडिनसन कवानी इज द लीड मैन, आप जाहिर है अब नेमार आ गए लेकिन पीएसजी में स्टिल पेनल्टी भी नहीं लेने दे रहे थे उस पे, ही थिंक्स ही इज द लीड मैन इन पीएसजी। अब यूरोगॉय में भी उन्होंने सुआरेस को हमने देखा एक फ्री किक उसने बॉल में मार दी, उसके बाद ही टुक द फ्री किक, एक उन्होंने जो है वॉली भी बहुत जबरदस्त फर्स्ट हाफ में की थी। डू यू थिंक के एडिनसन कवानी जो है ही इज नाउ द लीडर ऑफ द यूरोगॉयन टीम और शुड बी, होना चाहिए उसको? Yeah, I still think Luis Suarez is the leader as he's the top striker, one of the best in the world. But so zabardast main Kyle ki baat karungi, mujhe lagta hai ki Cavani ko hona chahiye kyunki unka jo attitude hai hum Luis Amaya ka, तो मुझे नहीं लगता कि उनको एज अ लीडर टीम यू नो चलानी चाहिए। इस बात पे अभी आर्गुमेंट रेज हुआ है नबील, आर्गुमेंट रेज के ऊपर हम आते हैं, लेकिन इससे पहले हम एक पैकेज दिखाते हैं। जिस तरीके से फीफा फीवर यहाँ पे भी हीट अप होता जा रहा है, इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि पूरी दुनिया में जिस तरीके से फीफा फीवर एक नेक्स्ट लेवल पे है, हम अगर बात करें कराची की तो क्या लियारी क्या मलीर, हमें लगता था कि सिर्फ लियारी के अंदर ही फीफा के फैंस हैं, लेकिन मलीर में भी इतने ज्यादा फैंस हैं और वहाँ पे इतना एक लोगों में एंथुसियाज्म है, वर्ल्ड कप सॉन्ग बना लिया और इसी के ऊपर हमने एक पैकेज भी तैयार किया है, तो वो हम अपनी ऑडियंस को दिखाते हैं। इंतजार हुआ खत्म, अब मना रहे हैं आलमी कप के आगाज का जश्न, कहीं मैसी तो कहीं नीमार, मलीर में फुटबॉल लवर्स ने दीवारों को आलमी हीरोज की तस्वीर से सजा दिया, घर की छतों और गली मोहल्लों में मुख्तलिफ ममालिक के झंडे लहरा रहे हैं। इस साल हमें दो खुशियां नसीब हो रही है, एक तो ईद आ रही है, दूसरा वर्ल्ड कप भी। ईद की खुशियों में इतने शामिल नहीं जितने वर्ल्ड के कप की खुशियों में शामिल है। वर्ल्ड कप ब्राजील जीतेगा। वर्ल्ड कप में मेरी फेवरेट टीम अर्जेंटीना है और मेरे फेवरेट प्लेयर मैसी है। फुटबॉल के दीवानों ने वर्ल्ड कप का बलोची में गाना भी तैयार कर लिया, सिद्दीक गोड में बड़े टूर्नामेंट के दिलचस्प मुकाबले भी बड़ी स्क्रीन पर दिखाने का खसूसी बंदोबस्त है। तो जनाब देखा आपने किस तरीके से कराची में भी फीफा फीवर लोगों पे सर चढ़कर बोल रहा है, और इससे पहले जब हमने आपने पैकेज देखा यहाँ पे एक हुआ था आर्गुमेंट रेज नबील की तरफ से, रुखसार ने एक पॉइंट पेश किया था, नबील क्या आपका आर्गुमेंट ब्लो की थी आपने? आर्गुमेंट तो है बट ये इसको मैं बहुत ही कंसाइज और बहुत ही छोटा रख के चलता हूँ। एक सवाल, बेसिकली वी वॉन्ट टू टेक अ स्टेप बैक एंड टॉक अबाउट सलाह अ लिटिल। सलाह की बेसिकली जो हम बात कर रहे थे कि हमने उनको बेंच किया तो ये टीम के लिए ऐसा हुआ, मगर अगर देखा जाए तो सलाह जैसे एक इन्फ्लुएंशियल प्लेयर है, इफ ही गेट्स इंजर्ड उनके करियर की भी बात अगर मद्देनजर रख के की जाए, और अभी जो टूर्नामेंट आने हैं जिसके अंदर मतलब यूरोगॉय के अलावा इजिप्ट जो खेलेगा वो मतलब ईरान से भी खेलेगा, मॉस्को से भी खेलेगा, जिसमें एक हायर चांस हम प्रसीव किया जा सकता है कि सलाह स्कोर करेंगे तो इजिप्ट को आगे जाने, क्योंकि देखें एंड सेकेंड तो फिर मुझे पर्सनली लगा अब क्योंकि वो इतने बड़े फिगर है ना, बेसिकली मैं आपको उनकी थोड़ी सी ये भी बताऊँ, वो इजिप्ट के जनरल इलेक्शन में किसी ने उनको रिप्रेजेंटेशन में खड़ा कर दिया, ही गॉट 5% ऑफ द वोट्स, आई मीन दैट्स अ बिग फैक्टर, ही हैज अ वेरी बिग पॉपुलैरिटी ओवर देयर। जब आप प्लेयर हैं इतने बड़े स्टार हैं तो आप में जो पैशन होता है अपनी टीम के लिए खेलने का और जीतने के लिए जीतने का तो और ज्यादा बढ़ जाता है। एक नॉर्मल प्लेयर और स्टार होने का प्लेयर और प्रेशर आप पे होता है, तो आई थिंक आप साले को भी देखें अगर जब गोल हुआ है तो उसकी उस पर फेस पे कैमरा लेके गया, बॉडी लैंग्वेज देखें, ही वाज वेरी अपसेट कि उसको था कि मुझे खेलना है, और अगर आप उसको 10 मिनट भी दे दें मेरे ख्याल में अगर कोच लास्ट के 10 मिनट्स में भी उसको यूज करते तो रिजल्ट आई थिंक कुछ और होते, क्योंकि एंड के मिनट पे ही गोल चले भाई। अब पहला मैच अब नबील आपसे वो करता था, लेकिन इसमें मैं थोड़ी सी रुखसार की बात मैं ऐड करूंगा, देखिए ये ग्रुप है बड़ा ओपन क्योंकि सऊदी अरेबिया इज द वीकेस्ट लिंक इन द टीम, रशिया को भी हमने देखा उसने सऊदी अरब को हराया, आई एम श्योर इजिप्ट भी उनको हराना चाहेंगे, तो यूरोगॉय से एक पॉइंट स्टील करना वुड हैव गारंटीड क्वालिफिकेशन फॉर दिस ग्रुप इससे नॉकआउट स्टेजेस में, आई थिंक ये बहुत
डीमोरलाइजिंग फैक्टर है कि इतना क्लोज आके इजिप्ट ने सलाह के साथ, एंड दैट्स व्हाई आज जैसे रुखसान ने बताया कि बॉडी लैंग्वेज सलाह की जो थी, ही थॉट कि इट्स क्वालिफिकेशन गॉन, क्योंकि रशिया जो है अब फिर पोल पोजीशन में आ जाएगा. तो इसकी क्वालिफिकेशन डिटरमिन करने के लिए सबसे अब जो इस ग्रुप में मैच होगा मजे का, वो इजिप्ट वर्सेस रशिया होगा. अपने पॉइंट पे चिपकूंगा कि मोहम्मद सलाह को नहीं आना चाहिए था. If we look at it, then Egypt ne apni winning mentality lose kar di thi. They never wanted to win because 84th minute pe jo last substitution hui thi, manager ne message bheja tha that the game is always almost over, we have to play deep, hame bus park karni hai, hame goal nahi karna, hame unhe stop karna hai, which allowed the center backs to go forward, jo golden aage gaye the, jo aage jaake injured hue the, uske baad free kick mili thi usko cross pe jo unko goal hua tha. So I think the main reason was ke Egypt never wanted to win. They were expecting a draw. Is on this point. आप El Shaarawy जो Egyptian goalkeeper था उसकी performance पे क्या बोलेंगे? He's not the first choice. Standard था. क्या समझते हैं? उन्हें बहुत अच्छा खेला जिन्हें end में Cavani का बहुत अच्छा save में किया, लेकिन unluckily Egypt हार गए फिर भी. और कितनी अच्छी इन्वॉल्वमेंट है ना उनकी, अगर देखा जाए तो मतलब जैसे ये बता रहे हैं कि सेकंड चॉइस वो कीपर थे और वो आए और उन्होंने ऐसा परफॉर्म किया. आई कैन पॉइंट आउट प्लेसेस, जब कवानी ने जो अपना फर्स्ट शॉट जो हिट किया था उस टाइम पे सारे स्पेक्टेटर्स को लगा था कि सही यार अब इन्होंने गोल यूरोगोय ने खत्म कर दिया ये करके, बट दैट सेव वाज अ रिमार्केबल सेव. उसके बाद थोड़ी सी लग उनके साथ रही. और आपको बताऊं जब फर्स्ट हाफ हुआ था मैच में तो इजिप्ट ने यूरोगोय के गोल पर जब हमले किए थे तो लिटरली जैसे अली ने भी कहा कि इतना क्लोज आके मैच में और बिल्कुल एक इजिप्ट की तरह से मैच को लूज कर जाना. फर्स्ट हाफ में जिस तरीके से इजिप्ट ने यूरोगोय के गोल पर हमले किए थे इट वाज लाइक कि वाकई गोल हो जाएगा. और फिर उनका गोलकीपर ने भी कितने अच्छे तरीके से किया. तो डिफेंस भी मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रांग था. भाई यहां से कार्ड था, आगे कार्ड शो किया जाता है. डिफेंस और गोलकीपर दोनों के पास कुछ फैक्ट्स है. एब्सोल्युटली लेट्स टॉक अबाउट द मैच स्टैट्स. यस वो आप सबको इन फैक्ट्स के बारे में पोजीशन के ऊपर बात करेंगे. तीनों से लेंगे, रुखसार से भी लेंगे. इवन था 57% था यूरोगोय के पास बॉल और दिस इज mostly in the latter part of the game. शुरू में इजिप्ट के पास ही और 43 अगेंस्ट द शॉट्स टोटल जो अटेम्प्ट्स की थी वो इजिप्ट ने 8 की हैं, विच इज गुड. उनकी जो ऑन टारगेट थी वो 3 थी, ऑफ टारगेट 3 थी और ब्लॉक 2 थे. उसी तरह यूरोगोय ने फिर लेटर इन द गेम जाके टोटल उनकी 14 अटेम्प्ट्स रही और जहाँ पे हम देख रहे हैं कि इजिप्ट की ऑन टारगेट 3 थी, यूरोगोय की सिर्फ 4 थी. तो जब तक गोल नहीं हुआ था तो दोनों की ऑन टारगेट बराबर थी. तो इट वाज प्रीटी इवन स्टीवन इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि मैं नहीं समझता कि यूरोगोय का जो गोलकीपर था मुज़वेला ही हैड एनी सिग्निफिकेंट सेव टू मेक इन दैट गेम. वो प्रॉबली मो सलाह हो सकता था तो वो फर्क पड़ता, लेकिन जाहिर है हम देख सकते हैं कि कॉर्नर्स जो फ्री किक्स जो है कॉर्नर्स जो हैं वो भी उनको जो है 3 मिले थे, 5 मिले थे और फ्री किक्स 13 जीती. इसका मतलब इजिप्ट ने फाउल ज्यादा किए. तो क्या समझते हैं कि इजिप्ट क्या तो डिफेंसिवली नेगेटिव हो गया था? आई इवन टॉक अबाउट स्टार्ट राइट नाउ, फर्स्ट टॉक अबाउट इजिप्ट की वीकनेस. ठीक है, तो इसके साथ ही हम एक काम करते हैं कि अपने सेकंड सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं. दैट इज पेनल्टी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वीकनेस और हम यूसुफ के साथ ही वापस आएंगे. सेकंड सेगमेंट दैट इज पेनल्टी. बिल्कुल सेकंड सेगमेंट हमारे पास आया. सबसे पहले हमने डिस्कस किया था गोल में स्ट्रेंथ और काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया इजिप्ट का, यूरोगोय का, स्पेन का, हर मैच को हमने डिस्कस किया. अब हम आए हैं अपने सेकंड सेगमेंट में, दैट इज पेनल्टी. और पेनल्टी में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द वीकनेसेस. अली ने एक पॉइंट रेज किया था, यूसुफ उसका आंसर कर रहे थे. यूसुफ क्या कोताहियां रही? वेल वीकनेस की बात करें जो इजिप्ट के मैनेजर हैं हेक्टर क्यूपिन, ही हैज कोच्ड 35 गेम्स एंड उसमें सिर्फ उन्हें 20 गोल्स कंसीड किए एंड दैट्स अ बिग थिंग. मगर 20 गोल्स में से जो सबसे बिगेस्ट फैक्टर है वो ये है कि उन्हें 20 गोल्स में से 14 ऑफ क्रॉसेस जो कि आज 15 ऑफ क्रॉसेस हो गए. मतलब उनकी जो बिगेस्ट वीकनेस थी वो ये है कि वो क्रॉसेस पे गोल खाते हैं. यूरोगोय का प्लस पॉइंट यही था दैट एंड कमेंटेटर भी कह जा रहे थे दैट यूरोगोय इज वेरी 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 डेंजरस ऑन सेट पीसेस. एंड अगर कवानी की ये लोग हाइट एंड हेडिंग स्ट्रेंथ को यूज करते देन आई थिंक यूरोगोय कुड हैव पुट द गेम टू बेड इन द बिगिनिंग ओनली. क्योंकि मैं तो ये इट्स लाइक पुटिंग द थिंग इन अ नटशेल. बहुत अच्छा यूसुफ. नबील आपको क्या लगता है? मिकाइल पहले आप मुझे, पहले लाइन बाय लाइन चलते हैं. मिकाइल आपको क्या लगता है क्या वीकनेस रही इजिप्ट की जानिब से जो वो मैच हारे? इजिप्ट के एरियल वीक हैं, एरियल ही वीक हैं, क्रॉसिंग अच्छा डिफेंड नहीं करते. इजिप्ट ने वैसे बहुत अच्छा खेला था मैच में एंड आई थिंक बट दे गॉट काउंटर्ड एरियली. मैच अच्छा खेला था इजिप्ट ने. बेसिकली इनको अभी हम इस टाइम पे लेकिन गोलकीपर ने भी बहुत मेहनत की लेकिन फिर भी हार गए. बेचारों को इस वजह से हम लोग बुरा भी नहीं बोलेंगे कि चले इन लोगों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया या कुछ नहीं किया. एक दो प्लेयर्स हैं जो कि परफॉर्मेंसेज बेटर हो सकती थी. जैसे मेरे हिसाब से इजिप्ट के पास एक स्ट्राइकिंग ऑप्शन होना चाहिए. इजिप्ट की ये वीकनेस है, इजिप्ट को सेट पीसेस जैसे कि यूसुफ ने बताया दे डोंट हैव अ प्लान बी आफ्टर मोसाला. ये
Yes, you can say that. It's sort of happening. The team is sticking together. The team is playing good, but the strike is not happening. Even when the other team is sitting in the box, they cannot go in and strike the ball. उन्होंने corner आप अगर देखें match के अंदर सिर्फ एक corner नहीं होता, कुछ उसे वो बच गए थे, कुछ उनके वो हो रहा था, तो ऐसा पॉइंट आ रहा था कि मतलब मैंने मुझे सिर्फ मैच के अंदर एक पॉइंट याद आता है कि जब इजिप्शियन प्लेयर पे एक फाउल हुआ और उन्होंने एडवांटेज ले लिया और फौरन से शूट कर दिया, तो वो यूरोगोए के कीपर ने रोक लिया, तो वो थोड़ा सा बच गया, नहीं तो वो मतलब गोल का वो था। आप क्या समझती हैं, क्या वीकनेस यूरोगोए की तरफ से रही? यूरोगोए की तरफ से सॉरी, मैं बिल्कुल दिखाऊंगी सॉरेस को, क्योंकि क्योंकि अभी जैसे यूसुफ ने कहा था कि शुक्र है उन्होंने आज किसी को बाइट नहीं किया, तो मैं उनको वार्निंग कार्ड दिखा रही हूँ कि आज उनकी जब उनसे गोल नहीं हो पाए थे, जो उनकी फेस एक्सप्रेशन थी, उनकी फ्रस्ट्रेशन दिख रही थी हमें, तो मैं उनको अभी से वार्निंग दे रही हूँ कि आगे मैचेस में प्लीज वो गलती ना करें। इतना अच्छी उनकी टीम के लिए डिफेंडर्स मेहनत कर रहे हैं, आपकी कवानी इतना एफर्ट्स कर रहे हैं, तो प्लीज कोई भी ऐसी गेम खराब ना करें। आई थिंक एक उसके पास बड़ी अच्छी चांस थी, अल शराबी, ऑल क्रेडिट टू हिम, लेकिन ही मिस्ड अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी मिकाइल, जब वो वन ऑन वन था, ही कुड हैव चिप द बॉल ओवर, लेकिन ही रैन ऑफ द बाय लाइन और द चांस वाज लॉस्ट। रेड कार्ड की गई है, रेड कार्ड पे बात आती है। इन्होंने विसल, नबील किसके आर्गुमेंट पे आपने विसल ब्लो किया? एज अ होल आर्गुमेंट पे इन लोगों से बात करना इस चीज में चाहूंगा। देखें, हम तो सुआरेस को कंसीडर करते हैं, एक प्रूवन प्लेयर है, और ये भी है इनके साथ, कवानी भी है, वी हैड अ फेयर आइडिया कि ये लोग कर देंगे, बट आई थिंक आज का जो रेड कार्ड मेजरली जाना चाहिए द डिफेंडर हु डिड द ओन गोल, और जो इजिप्शियन स्ट्राइकर्स हैं हु कुडंट टर्न अप, उन लोगों को ये जो मोरक्को के जो डिफेंडर थे, या नहीं मतलब एज अ होल रेड कार्ड। इजिप्ट के मैनेजर को, हेक्टर क्यूबिन को, टीम का मॉडल अच्छा था, अटैक कर रहे थे, यूरोगोए इज नॉट दैट टीम जिसकी डिफेंड आगे ज्यादा जाती है, फुल बैक्स वो थोड़े कंजेस्टेड रहते हैं, सेंटर बैक्स भी चले थोड़े बहुत आगे आ जाते हैं। So I guess the main turning point was the substitution at the 84th minute, जिसके बारे में अभी मैंने mention भी किया था। तो जब भी substitution होती है तो manager players को एक message pass करते हैं, and I guess 84th minute पे यही message था कि drop deep, attack नहीं करो, the game is always almost over, we have to stop them from attacking. So that was the main turning point, जिसके through Godin came in forward, जिसमें उसके बाद foul हुआ, and obviously their weak Uruguay is really good at set pieces, उसका goal। चलिए नज़ारा अपने next segment की तरफ चलते हैं। और अब हम चलते हैं अपने next segment की जाने, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है और तो तीसरा सेगमेंट हमारे पास मौजूद है क्रॉसबार। क्रॉसबार सेगमेंट का नाम है जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजीज, स्ट्रेंथ डिस्कस हो गई, वीकनेस डिस्कस हो गई, स्ट्रेटजीज की बात के अच्छा नहीं भाई, इस दफा तो इजिप्ट ने जो गलतियां की जो कोताहियां की लेकिन अब आगे वो रिपीट ना की जाए। सलाह के बाद जैसे नबील अली आपने बात की थी कि अगर सलाह नहीं है तो क्या कोई प्लान भी नहीं है, मुझे ये लगता है कि उन्होंने कोशिश तो की थी लेकिन फिर भी वो इतनी क्या कोई फॉर्मेशन चेंज हो सकती है स्ट्रेटजी की? नहीं, आई थिंक इजिप्ट के पास जो है वो लिमिटेड ऑप्शन है, हमने उनका भी देखा, जो उनके फॉरवर्ड भी थे, आई थिंक मोहसिन ही एक्चुअली आई थिंक ACL के बाद एक्यूट क्रूशियल लिगामेंट इंजरी के बाद आ रही थी, इवन 100% फिट, और हमने देखा था उनको सब्स्टिट्यूट भी कर दिया था, तो आई थिंक उनकी जो टीम बेस्ड अराउंड हुई थी वो मोहम्मद सलाह के अराउंड ही हुई। हमने जैसे मोहम्मद एलनेनी को भी देखा, नॉर्मली व्हेन ही प्लेज फॉर आर्सेनल ही प्लेज इन डिफेंसिवली, लेकिन वो आगे आते अटैक करते ही लीव्स द गैप्स। आज हमने इजिप्ट पे जब उसको खेलते हुए देखा तो उसने ऐसा नहीं किया था। बहरहाल अब हम बड़े स्पेन और पोर्टुगल की तरफ आते हैं, लाइनअप्स आ गई हैं और लाइनअप्स बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं डेविड डिहिया ऑब्वियसली अनअपोज स्टार्ट्स एज नंबर वन एंड वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स इन द वर्ल्ड। नाचो को लेफ्ट बैक पे खिलाया, मैं आप सब की राय लूंगा लाइनअप्स के बाद। पीके एंड रामोस सेंट्रल डिफेंस, दोनों दुश्मन, ठीक है। जॉर्डी अल्बा जो है उनको लेफ्ट बैक की जगह राइट बैक पे खिलाया गया और नाचो को लेफ्ट बैक पे खिलाया गया। दिस इज अ सरप्राइज। इवन सिल्वा लाइक टू ऐड दैट डाइट जो फ्रेंडलीज में अभी तक जो स्पेन ने खेले उसमें ऑलमोस्ट आउट ऑफ 3-4 ऑलमोस्ट सिर्फ एक में सिल्वा ने राइट खेला, बाकी सिल्वा ने लेफ्ट खेला, सो ही इज प्लेइंग राइट। इसका मतलब है कि जॉर्डी अल्बा इज गोना टैकल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑब्वियसली। फिर हमने सर्जी बुस्केट्स और कोके इज गेटिंग अ स्टार्ट, मिकाइल कोके इज प्लेइंग, ठीक है, इसको इज प्लेइंग इन द नंबर 10 रोल, इनिएस्टा ऑन द राइट फ्लैंक, डेविड सिल्वा ऑन द लेफ्ट and the notorious Diego Costa up front. Lineups तो आपने बताए, मुझे ये बताएं how would Spain respond after so many changes in their camp? ये I'm
pretty much surprised. मुझे ये लग रहा है कि Fernando Hierro being a defender, उनको उन्होंने ये अप्रोच इसीलिए cautious अप्रोच है अगर इसमें से वो करूँ. ज़ाहिर है ये चीज़ें टीम को हिला तो देती हैं. आपका लास्ट मोमेंट पे वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच से एक दिन पहले आपका कोच चेंज हो गया, इतनी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई. एग्जैक्टली, एंड ही विल ओनली हैव अ चॉइस कि जो हो रहा है उसको फॉलो करे. लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसकी नर्वसनेस को रीड करता हूँ कि जोर्डी एल्बा को फ्रॉम लेफ्ट बैक टू से राइट बैक खिलाना, विच मीन्स कि ही इज गोइंग फॉर एन एक्सपीरियंस सीजन कैंपेनर जो बार्सिलोना में रोनाल्डो को हैंडल करता रहता है, उसको बोला कि तुम राइट बैक पे खेलो. जो कि मैं समझता हूँ अगर सीजर एस्पिल एक्वाटा को भी करते, जोर्डी एल्बा को लेफ्ट पे रखते तो ज़्यादा होता, क्योंकि पोर्टुगल से जाहिर है अगर हम देखेंगे तो रोनाल्डो इज अप फ्रंट अलोन बट ही विल फ्लोट. अगर उसको लेफ्ट फ्लैंक पे वो मिलेगा तो ही कैन फ्लोट ऑन द राइट, सो ही विल हैव अ फ्री रोल. ठीक है ना, उसके साथ साथ इस चीज में मैं एक आपसे आर्गुमेंट रेज हुआ है अभी अली हमें कर रहे थे फैक्ट्स के बारे में. लाइनअप बता लो फिर आप आर्गुमेंट का. आर्गुमेंट बेसिकली मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू बेहतर इस चीज में जानना चाहता हूं, क्योंकि आप लाइनअप्स बड़े अच्छे से बताए थे. ये चीज इससे बेहतर कि मिस हो जाती, मैंने बोला चले मैं आपसे डिस्कस कर लूं. जैसे रोनाल्डो है, आपने बताया कि वो डेफिनेटली मूव फॉरवर्ड कर रहे होंगे, आंद्रे उनके साथ होंगे, बट वट एक्चुअली गोना हैपन है, जैसे आप एल्बा की बात करते हैं, एल्बा हैज़ अ प्रूवन हिस्ट्री ऑफ गोइंग फॉरवर्ड. एक्चुअली मुझे जहाँ तक स्पेन की लाइनअप्स में लग रहा है कि जैसे इनका जो एक डिफेंसिव मिडफील्डर खिला रहे हैं, जैसे सर्जियो बुस्केट इज ग्रेट फॉर यू नो एज अ सेंट्रल डिफेंडर मिडफील्डर, ही इज गोन स्टेप बैक हेल्प पीके एंड सर्जियो रैमोस लेटर, विच विल गिव स्पेस फॉर जॉर्डी एल्बा टू मूव फॉरवर्ड. एक्चुअली वो आगे जाएंगे और अगर हम दूसरी साइड से देखा जाए कोके जो हैं उनको आगे कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो स्पेन का जो आगे अटैकिंग लाइनअप बनेगा, जॉर्डी एल्बा, कोके, इस्को, असेंसियो, अभी इनिएस्टा स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब दैट इज अ वेरी गुड स्पेनिश लाइनअप. लेकिन अगर इसमें जाहिर है असेंसियो इज नॉट स्टार्टिंग, लेट मी टेल यू दैट असेंसियो इज नॉट स्टार्टिंग, लेकिन इसको इज नॉट स्टार्टिंग, आंड्रेस इनिएस्टा एंड डेविड सिल्वा, जो कि पेस उनमें इतना नहीं है. कोके और सर्जी बुस्केट्स में भी इतना पेस नहीं है. ऑन द अदर हैंड अगर हम डिफेंस देखें पोर्टुगल का, तो पेपे एंड जोसे फोंटे ऑफ साउथहैम्पटन, दे आर इन द सेंट्रल ऑफ डिफेंस विद राफेल ऑन द राइट बैक एंड सेड्रिक the season left back, वो भी है. तो आई थिंक इट्स अ प्रीटी सॉलिड डिफेंस. ज़ाहिर है जाओ मार्टिनो उस डिफेंस के आगे बैठे हुए, सीजन कैंपेनर, वी ऑल नो दैट, यूरोपियन चैंपियंस भी हैं. तो इट्स गोना बी अ वेरी डिफिकल्ट वन टू कॉल, क्योंकि मैं ये देखना चाहूँगा कि फर्नांडो सैंटोस किस तरह पोर्टुगल का जो है सेटअप वो कर रहे थे, और स्पेन जो है इट्स सरप्राइजिंगली इज अ बिट नर्वस राइट नाउ आई थिंक, क्योंकि उन्होंने जो है असेंसियो को वो ऑफ द बेंच प्रॉबली ला के दे वॉन्ट टू प्ले हिम एज एन इम्पैक्ट. मिकाइल आप क्या कहेंगे, और क्या ऑप्शन हो सकते हैं इसके अलावा ऑफ द बेंच स्पेन के पास, प्लेयर्स बताइए हमें. थियागो को आई थिंक स्टार्ट करना चाहिए स्पेन को इंस्टेड ऑफ कोके, एज इज अ वेरी क्रिएटिव प्लेयर, एंड इवन दो कोके इज अ वेरी गुड प्लेयर फॉर एथलेटिक मिडफील्ड, आई थिंक थियागो इज प्लेड वेरी वेल दिस सीजन आल्सो. अच्छा, सब बेंच में मैं नबील और मिकाइल और यूसुफ से भी एक क्वेश्चन ये करना चाहूंगी. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे ये बताओ कि इतनी सारी हम लाइन अप्स और उसकी बात कर रहे हैं, रोनाल्डो की पोर्टुगल होगी या रामोस की स्पेन होगी? देखिए बेसिकली सोशल मीडिया पे मैं पर्सनली भी इस चीज़ को फॉलो कर रहा था, एक स्टोरी आई हुई है दैट रोनाल्डो हैज नेवर स्कोर्ड अगेंस्ट रैमोस, इट्स रोनाल्डो वर्सेस रैमोस, इट्स नेबर वर्सेस अ नेबर कंट्री, इट्स टीममेट वर्सेस अ टीममेट, एंड इट्स वर्ल्ड बेस्ट कह सकते हैं आप दोनों को, अपनी पोजिशन में खेलने वाले वो बहुत ज़बरदस्त हैं. तो यही सबका क्वेश्चन है और यही सब देखना चाह रहे हैं कि क्या रोनाल्डो ये चीज़ कर पाएंगे, क्या स्पेन के डिफेंस को एक्सप्लॉइट कर पाएंगे, बिकॉज रोनाल्डो की एक फैक्टर है कि व्हेन ही स्टार्ट स्कोरिंग ही इज़ ऑन अ रैम्पेज, फिर वो किसी कंपटीशन के आपको मिल गया पे वो करवा कार्ड, अगर रोनाल्डो ने स्कोर कर लिया तो फिर इट विल गो पोर्टुगल्स वे. हो सकता है जल्दी-जल्दी प्रेडिक्शन बता देना, बिल्कुल रोनाल्डो गोल करेंगे, मेरा कार्ड अली, टू टू ड्रॉ, योर प्रेडिक्शन 2-1 स्पेन में, 2-1 2-0 स्पेन, स्पेन 2-0 पोर्टुगल, 1-0 पोर्टुगल. ओके, सो ये फिर टाई हो गया, नहीं इस दफा जा नहीं सकता, पोर्टुगल पोर्टुगल स्पेन स्पेन. बेस्ट playmaker of the past decade, they've got the best defender, they've got the best central central defender Sergio Busquets, but what about they've got the best goalkeeper David De Gea, no it's like
a really good player. I wouldn't call Ronaldo the best because Messi is currently more dominant now. But let's say it's against the best defender in the world. I think Spain will suffer for pace. I think so. That Iniesta is not the Iniesta of 2010. ठीक है, so we'll have to. और हमने 2014 का opening game नहीं भूलना चाहिए Spain का. भाई ये तो यहाँ पे तो झगड़ा यूँ ही जारी रहेगा. एक तरफ हमारे experts कहते हैं कि Portugal और हमारी सब bench कहती है, जो हमारे enthusiasts हैं वो कहते हैं Spain. ये हमें वक्त ही बताएगा और कल हम आके इसी argument से वापस आएंगे कि भाई हमारी Portugal जीती है या इनकी Spain जीती है. We'll be discussing all of this tomorrow और कल के तीन matches भी. तो कल भी हम आपसे इसी टाइम पे 10 बजे मिलेंगे. आपके भी कोई भी आर्ग्यूमेंट्स हो, कोई भी आपका पॉइंट हो, एनी कॉमेंट, एनी कॉम्प्लीमेंट, एनी क्रिटिसिज्म, वो आप हमें करें कॉमेंट्स में शेयर. हम आपका नाम लेके आपको अपने शो में शामिल करेंगे. टिल देन, नजाहत खान, अली तैयब, रुखसार राशिद, यूसुफ, मिकाइल और नबील को दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर. बाय बाय बाय.